नहीं होगी सगाई। सब लोग झूठे और मक्कार हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? प्लीज ऐसा मत कहिए, सगाई मत छोड़िए प्लीज। क्या हुआ है? साफ साफ बता क्या हुआ है? तेरी मम्मी वो जो बस ड्राइवर है ना राघव, वो सिर्फ ड्राइवर नहीं है, दीदी का सगा भाई है। आ? वो इस घर का बेटा है, इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है। दीदी का भाई नहीं, उसकी दो बीवियां भी है, एक ये जो उसके साथ रहती है और दूसरी ये जो उसके नाम का मंगलसूत्र पहनकर इस घर में बैठी है। और जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहा, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। अरे तो कैसे है? और ये उसी ड्राइवर को क्यों ढूंढ रही है? मेरा पति है वो, और इज्जत से नाम लो राघव का। अरे देख लिया कितने इज्जतदार है आप लोग। मम्मी पापा आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए यहाँ से। चलिए जी चलिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे तू क्यों यहाँ अपनी मन हो सकल लेकर? ये इसलिए मिश्री सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें काफी धमाकेदार ट्रैक देखने को मिलेगा। जी आपको बता दूं कि इस बार चित्रा बुआ ने जानबूझकर राघव की बस की ब्रेक को फेल कर दिया है, ताकि आगे चलकर राघव को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सके और हो सके तो राघव की जान भी चली जाए। उनका मेन इंटेंशन तो यही है। और कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर राघव को रियलाइज होता है कि बस का ब्रेक फेल हो चुका है। ये बात वो मिश्री को बताता है और जब ये बात मिश्री को पता चलती है तो मिश्री बेहद शौक में तो आती है, लेकिन मैं यहाँ पर मिश्री जो है काफी सारे पैतरे आजमाने लगती है। और आपको बता दूं कि मिश्री के चालाकी की वजह से इस बार सच में मिश्री ने सभी बच्चों की जान बचा ली है, बस का एक्सीडेंट होने से भी बचा लिया है। लेकिन कहानी में एक बेहद बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। जी आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही मिश्री बस को रोकती है सभी बच्चे बच जाते हैं, तो मिश्री राघव के पास जाती है लेकिन राघव बस में होता ही नहीं है। जी यहाँ पर मिश्री हर तरफ चारों तरफ राघव को ढूंढ रही होती है लेकिन मिश्री को राघव नहीं मिलता। और इसी के साथ कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि रिद्धि के ससुराल वाले आए हुए हैं, रिद्धि की एंगेजमेंट सेरेमनी है। यहाँ पर सभी घर पर परिवार वाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर रिद्धि जो है अभी तक बैठ के अपने भाई राघव का इंतजार कर रही है और वो चाहती है कि जब तक राघव ना आए तब तक उसकी एंगेजमेंट ना हो। अब यहाँ पर सभी घर वाले राघव का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर मिश्री की एंट्री होती है घर में और यहाँ पर मिश्री चारों तरफ राघव को ढूंढने लगती है। और इस बार उसने घर वालों को ये सच्चाई बता दी है कि राघव कहीं भी नहीं मिल रहा और सभी घर वाले बेहद टेंशन में आ जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि कहानी में बेहद बड़ा ट्विस्ट आएगा जब यहाँ पर रिद्धि के ससुराल वालों को ये सच्चाई पता चल जाएगी कि राघव कोई और नहीं बल्कि वही बस ड्राइवर है। और इसी के साथ इस बार हमारी रिद्धि के ससुराल वालों ने इस बार उससे रिश्ता तोड़ लिया है, क्योंकि घर वालों को ये पता चल चुका है कि राघव की दो दो पत्नियां हैं, यानी कि मिश्री और वाणी दोनों ही राघव की पत्नियां हैं। और ये सुनने के बाद तो भाई हमारी रिद्धि के ससुराल वाले जो है उससे एंगेजमेंट तोड़ लेते हैं, उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। और ये सुनने के बाद तो भाई हमारी रिद्धि मैडम जो है पूरी तरीके से टूट जाती है। आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार मिश्री अपनी रिद्धि के रिश्ते को बचा लेगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया।